हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आप लोग से मैं माफ़ी मांगता हूँ और सॉरी चाहता हूँ कि मैं काफ़ी देर लगा दिया एक वीडियो लाने में। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं एक शेड बनाने में थोड़ा बिजी हो गया था, इस कारण से वीडियो आ नहीं पा रहा था। अभी आप पीछे देख सकते हैं, पीछे एक शेड, ये पोल्ट्री शेड मैंने रेडी करवाया है और लगभग 2 महीना के बाद आज रेडी होके आज जो इसका चूजा है आज आने वाला है। शाम को चूजा आने के बाद आप लोग का पहला व्यू जरूर दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि इसका ब्रूडिंग का क्या प्रोसेस है। और आप लोग भी बताइएगा फ्रेंड्स कि यह एरिया या लोकेशन आपको कैसा लगा मेरा शेड का। और मैं धीरे धीरे एक एक वीडियो लाता रहूँगा, कोशिश करूँगा कि हमेशा आपको इससे रिलेटेड कुछ जानकारी दूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा लोकेशन है जहाँ मेरा जो पार्टी हुआ था शादी का, यहाँ यह वही जगह है, वहाँ मैंने इसको बनाया है। और इधर आप बैक साइड में देख सकते हो, एक मेरा एक चेक डैम है, आप देख सकते हो इधर काफ़ी अच्छा व्यू है इधर। और काफ़ी एक रहने में मज़ा आता है इस लोकेशन में। पानी ले आए हैं, हल्का गुनगुना टाइप का सुसुम पानी, और उसमें हम लोग जो गुड़ आता है आपका, जिसको हम लोग ढेला वाला गुड़ बोलते हैं, उसको हम लोग मिक्स कर लिए हैं चूर्ण करके और अच्छा से उसमें पानी में मिला के अभी जो इसका ड्रिंकर है इसमें थोड़ा थोड़ा करके सब में भर दे रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे आए हुए हैं काफ़ी दूर से आए हुए हैं और स्ट्रेस में होते हैं, इस कंडीशन में हम लोग उसको गुड़ पानी ही देते हैं अगर ठंडे का दिन हो तो, और गर्मी का दिन में भी देते हैं, और कभी कभी गर्मी का दिन में हम लोग ग्लूकोज पाउडर या फिर ग्लूकोन डी भी दे देते हैं, लेकिन अभी ठंडे का दिन है इसलिए तो हम लोग ग्लूकोज और ग्लूकोन डी नहीं दे सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं पूरी तरीक़े से मैंने इसको मिला लिया है। इसके बाद इसको मैंने एक छोटे से बर्तन में लेके सबका एक इक्वल डिवाइड कर दे रहा हूँ ताकि लोग आराम से अपना ड्रिंकर में से पानी पी सकें। और इसके बाद हम लोग शाम में क्या करेंगे, 3 से 4 घंटे बाद अगला प्रोसेस यही रहता है कि इसको फीडिंग किया जाए। तो फीडिंग के लिए हम लोग इसका जो पेपर हम लोग बिछाए हुए हैं, पेपर में हम लोग इसका दाना डाल देंगे, क्योंकि चूजे छोटे होते हैं अभी, उसको फीडर में खाने में दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग पेपर में दे देंगे और शाम को फिर हम लोग गुनगुना पानी दे देंगे। और बस आज का यही प्रोसेस रहेगा, फिर नेक्स्ट डे हम लोग इसका मॉर्निंग में लेग्जिन पाउडर चलाएंगे। तो इस तरह करके हम एक एक करके कोशिश करूँगा वीडियो शेयर करते रहूँ। तो आज के वीडियो के लिए ज़्यादा कुछ तो शेयर नहीं कर पाऊँगा, जितना हो सके कर रहा हूँ। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कुछ जानकारी चाहिए आपको पोल्ट्री, बॉयलर पोल्ट्री से रिलेटेड, और हमारे यहाँ असील मुर्गा फार्म है और एक जहाँ हम असील का मुर्गा, देसी मुर्गा रखते हैं, आप कांटेक्ट करके वो भी ले सकते हैं। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग ट्राई करें और एक बार ज़रूर विजिट करें हमारे असील फार्म में। काफ़ी अच्छे अच्छे उसमें भी ब्रीड रखे हुए हैं, उसमें तमिलनाडु का ब्रीड है, शिवांडी सेवाल, मुंबई असील सब रखे हुए हैं। रोशनी बहुत विटामिन है, सूर्य की रोशनी बहुत विटामिन है, सुबह शाम ठीक हो 10 दिन रहो ना, 6 दिन, हाँ तो 6 दिन में तैयार है। ऐसे सब लगेगा बढ़िया।